नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, आपको उसके कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम उस समस्या का आयुर्वेदिक निदान आप कैसे कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आँख दुखने की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है ये गुरुजी से जानते हैं, इसके लक्षण भी जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय है आँख दुखने की समस्या। दर्शकों को बताएँ कि इसके लक्षण क्या होते हैं और उपचार कैसे कर सकते हैं। देखिए, आँख दुखने का ऐसे तो मेन होता है काम गर्मियों में जी, परंतु आँखों में जो आजकल का प्रदूषण है या सर्दी बरसात किसी भी टाइम आँख दुखने ला देता है। और आज जो हमारी एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक दवाइयाँ बनी हैं इनमें आँख दुखने को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है जी। परंतु स्वास्थ्य विचार हमेशा छोटे से छोटा रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे छोटा रास्ता है हल्दी से। जब भी आपकी आँख दुखनी आ जाए तो आप एक गिलास पानी में एक चम्मच हल्दी को उबालें। जब हल्दी अच्छी तरह उबल जाए तो उस पानी को छान के उसके अंदर सूती कपड़ा भगो के या रुई भगो के आँखों को बंद करके आँखों के पलकों पर टकोर करें। तो आँखों के पलकों पर टकोर करने से ही आपकी आँख दुखनी में कम से कम एक घंटे के अंदर अंदर 25-30% परिवर्तन आ जाए। फिर जब पानी आपका 10 से 12 डिग्री गर्म रह जाए तो उस पानी को किसी भी बर्तन में डाल के और आँख को ऐसे खोलें, पानी के अंदर ऐसे रखें, तो आँख दुखनी आपकी 24 घंटे में बिल्कुल फ्रेश आँख हो जाती है। जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब से चमका करके उसको बिल्कुल उजाला कर देते हैं, ऐसी आँखों बिल्कुल सफ़ेद चांदी की भांति हो जाती है, उन पर लालगी या धुंधलापन बिल्कुल नहीं रहता। परंतु इस बात में एक ध्यान रखना कि आँख दुखनी आने पे हल्दी का जो आपका टकोर है ये 4-4 घंटे बाद करते रहना, और रात को सोते समय रुई को भगो करके आंखें बंद करके पलकों पर रख के और कपड़े के बांध से सो जाएं, तो इससे आंखों के अंदर ज्योति बढ़ाने के लिए, आंख दुखने को समाप्त करने के लिए और आंखों में कुकरे पंडवाल को रोकने के लिए ये एक किस्म का अमृत है। हल्दी आप किसी भी आँख के लिए लें, ये अपना चमत्कार ऐसे दिखाती है जैसे सूर्य उदय होने पे रात्रि का अंधकार मिट के उजाला हो जाता है, ऐसे आँखों में रोशनी को बढ़ाती है। आज मुझे एक बात की खुशी है कि जिन रोगियों ने टेलीफोन के माध्यम से ये कहा कि मेरी आंखों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, मैंने आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक नेचुरिस्ट का बहुत दवाइयाँ डाली परंतु आराम नहीं मिल रहा है, जब मैंने उनको हल्दी का नुस्खा टेलीफोन के माध्यम से बताया और इन्होंने अपनाया तो दूसरे दिन फ़ोन पे आते कि आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बीमारी से हम 4-6 महीने से परेशान थे और पानी के भांति पैसा बहा रहे थे,
कि तो घर में एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, जो हमारा पीने का पानी था उसी पानी में हमने हल्दी को उबाला और पहले टकोर की, फिर बाद में आंखें खोल के उस पानी के अंदर आंखें टमटमाई। उससे हमें इतनी राहत मिली कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। और रात को जब हम हल्दी वाले पानी में रुई भगो के आंखों पे पट्टी बांध के सुबह उठे, तो आंखों से जो चिपचिपा पानी पलकों पे लग के पलकें आपस में जुड़ जाती थी, वो नहीं जुड़ी जी। तो फिर मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। ना तो मेरी दवाई आपको मार्केट में मिलेगी और ना ही किसी केमिस्ट के पास मिलेगी, ना ही किसी आयुर्वेद फार्मेसी से बनती है। मेरे अपने फार्मूले दवाइयाँ बनाने के, मेरे पास जो निर्घाटु है, निर्घाटुओं में जो चीज़ें थी, मैं उन चीज़ों को अपना के आज आपको इसकी पेशकश कर रहा हूँ। यदि आप इन नुस्खों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो आपको कभी भी किसी रोग के लिए डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम रोग पैदा करते हैं अपने जीभ के स्वाद से। जब हम मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी चीज़ों का प्रयोग अधिक करते हैं और नशे का सेवन करते हैं, चीनी का सेवन करते हैं, तो हमें रोगों की भरमार लगती है। चीनी का नाम मैंने सफेद जहर रखा हुआ है। चीनी की जगह आप गुड़ खाइए, जितना खाना उतना खाइए, परंतु बिना मसाले का। बिना मसाले का गुड़ ऐसे होता है चबाने पे जैसे आपने इसमें घी मिला रखा है और जीभ में किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु मसाले वाला गुड़ जो है जीभ को काट देता है। यहाँ तक कि आपको पानी पीने खाने में भी दिक्कत होती है। फिर तो हमेशा गुड़ जो है बिना मसाले का लो, शक्कर बिना मसाले की लो, अन्न जो भी आपने खाना है उसको चोकर वाले को लो, दालें जो भी आपने खानी है छिलके वाली लो, और पानी जो आपने पीना हो हल्का गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस आए, आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 108 वस्तुएँ हमारी रसोई में मौजूद हैं जो हम हर एक रोग का निवारण करते हैं। रोग के अनुसार जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, सब चीज़ें हमारे रसोई घर में होती हैं। अब जब मैंने आँख दुखने के लिए आपको हल्दी बताई, पानी बताया, तो हल्दी तो रसोई घर में 24 घंटे रहती है, पानी भी रसोई में 24 घंटे रहता है। और पानी के अंदर हल्दी डाल के उबाल के किसी भी अंक पे लगाते हैं, तो उस अंक को ऐसे साफ करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्शिश की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज स्वस्थ विचार का नाम पूरे संसार में विख्यात है कि जो रोगी हर जगह थक जाता है, जिसको डॉक्टर हकीम हाथ खड़े कर देते हैं, वो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। और वो कहते हैं कि आपके हाथ में जादू है या दवाइयों में क्या चमत्कार है, तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि मेरी दवाइयों में कोई केमिकल नहीं है, ये जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों की छालें हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, और इनमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब जो कोबरे सांप का जहर आपको दिया जाता है, ये उस रोग को ख़त्म नहीं करता, जहाँ पे उसकी तकलीफ है उस अंग को सुन कर देता है और आप कहते हैं मुझे आराम मिल गया। उदाहरण के तौर पे किसी को बीपी है,
और दवाई लेने में बीपी में थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको भयंकर दर्द होता है, परंतु स्वस्थ विचार में जिसको बीपी है, 1.5 से 2 ग्राम हल्दी गर्म पानी के साथ फक्की ले ले, फक्की लेते बीपी नॉर्मल जी, क्योंकि हल्दी किसी किस्म का इफेक्शन नहीं होने देती। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पेट में गैस बनेगी, आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दे में जैसे पानी पे काई जमती ऐसे जमेगी, वो भी पूरा फिल्टर काम नहीं करेगा, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। यदि हम छिलके वाले अनाज, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, हल्का गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, दिन का खाना 12 बजे से पहले खा लेते हैं, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लें, सोने पर स्वागत दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि ताज़ा गर्म गर्म खाना, गर्म गर्म सब्जी, उसमें रोटी मसल के खानी, ग्राइया नहीं खानी, और दाल बनाए चाहे सब्जी बनाए तरी दाल बनानी, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। रोग के अनुसार जो नुस्खे मैं बताता हूँ सब चीज़ें आपके रसोई घर में हैं, उन्हीं से आप अपने हर एक रोग का निवारण कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली NCR, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया। उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उससे मेरा पेट और बढ़ गया और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे YouTube के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरु जी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पर गुरु जी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेह नगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास ले गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ, उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की तो हम यहाँ पर आए, तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया, उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। अब फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सवाल करें, गुरु जी सुन रहे हैं आपको। जी मैडम, है ना मेरे भतीजे की मैडम बार बार है ना पेट में पानी भरा जाता है, जैसे डॉक्टर ही करा रहे हैं पर जैसे आराम लग जाता है, जैसे पानी निकाल देते हैं, दवाई गोली चलती है, फिर वैसे ही हो जाता है। देखिए बेटा, पेट में पानी भरने का मुख्य कारण है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, गुर्दों के अंदर जैसे पानी पे काई जमती ऐसे जमगी जहाँ टट्टी पेशाब खून लग नहीं होता, और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। धोखे में नहीं रहना, सुइयों से पानी निकालते उससे रोग बढ़ता है घटता नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी किस्म की चीर फाड़ या आर्टिफिशियल चीज़ों से पानी निकाला जाता। यहाँ पे आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना,
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, एक पाउडर और तेल उसके मलम बना के पेट पर लेप किया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर वाली रुई रख के सेलो टेप खाकी रंग से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के अंदर आपको बाथरूम के रास्ते और लैट्रिन के रास्ते ऐसे पानी निकलना शुरू होगा जैसे तेज़ बारिश आने पे नदी में बाढ़ आती है। और यदि आप दवाई नियम से खाते परहेज करते हैं तो 1 महीने में आपका पेट का पानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, किडनी पूरा काम करेगी, लीवर पूरा काम करेगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई गुरुजी ने कि आपके भतीजे का उपचार जो है वो संभव है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द से जल्द अपने भतीजे को यहाँ पर लेकर आएं और अपने भतीजे का इलाज कराएं। जो दवाई गुरुजी आपको देंगे वो नियम पर इसके साथ उसे सेवन कराएं और इसके माध्यम से आप बिना ऑपरेशन के अपने बच्चे की, अपने भतीजे की जो पेट में पानी भरने की जो समस्या है उससे निजात पाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें बेझिझक कॉल कर सकती हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रही हैं आप? मैं जिला पंजाब से बात कर रही हूं, दीपिका आगिनामी। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मुझे ना घेंघा को मैं ग्वाइटर गले में जो होता है। जी, घेंघा की समस्या है गुरुजी, ग्वाइटर घेंघा की समस्या। देखिए बेटा, घेंगा का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं आया। तो कहते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, परंतु आयोडीन की कमी से नहीं होता, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और यहाँ सारा रोग जो है गारंटी से ख़त्म किया जाता है, यहाँ पर किसी रोग को दबाया नहीं जाता। यदि आप घेंघा से परेशान हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर आप अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 5% तो घेंघा में आराम जरूर मिलेगा और 1.5 महीने में आपका घेंघा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, ज़रा सोचिए, जिस रोग के लिए डॉक्टर्स कहते थे कि अब आपको ऐसे ही रहना होगा या कोई सर्जरी बताकर आपको गुमराह भी कर रहे होंगे, लेकिन ज़रा सोचिए जब आप स्वस्थ विचार आश्रम में आएंगे आपका रोग जड़ से खत्म होगा और वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। इसलिए सोचिए नहीं बिल्कुल भी, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं। और जो जानकारी अगर आपको एकत्रित करना चाहते हैं, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक बात और बता दूं मैं यहां पर आपको कि अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहती हैं तो इस बात का खास ख्याल रख के आएं कि जब आप यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के लिए आएं तो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ आएं। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल करें। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है, एसिड प्रॉब्लम है, एसिडिटी है। जी देखिए, पेट में प्रॉब्लम होने का मुख्य कारण होता है लीवर की कमजोरी, पैंक्रीज की इंसुलिन ना बनाना, नाभि का अपनी जगह से हट जाना। इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल लाइन में तो कोई इलाज है नहीं। जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का, इन्होंने भी थ्योरियाँ पढ़ी, इनके पास भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मैं 10,000 जड़ी बूटियों को जानता हूँ जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की भी,
मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ भी नहीं बेचता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकेंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, जो जो रोग उसके अनुसार है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। फिर दवाई खाने के बाद 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाएगा, उसी दिन आपका पेट का दर्द खत्म हो जाएगा और आपको उसी दिन कम से कम 20 से 25% राह मिल जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे परहेज बताए जाएंगे परहेज करेंगे, जो योग बताया जाएगा योग करेंगे, एक्यूप्रेशर कराएंगे, तो 1 महीने में आपके रोग का नामोनिशान ही रहेगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिसे आप सोच रहे हैं कि ये पेट से संबंधित समस्या है, मुझे गैस बनती है, मुझे एसिडिटी होती है या फिर मुझे कब्ज़ की समस्या रहती है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि कार्यक्रम के माध्यम से बार बार आप सभी लोगों को यही सलाह दी जाती है कि अपने छोटे छोटे रोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर ये समस्या लगातार आपके साथ बनी हुई है, बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकती है और वजह आपको पता चलती है जब आप स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं, नाड़ी परीक्षण कराते हैं, उसके बाद जब गुरुजी आपको दवाएं देंगे वो नियम पर इसके साथ आप सेवन करें और अपने तमाम रोगों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है 10:00 बजे से लेकर 5 बजे के बीच। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप? हम इंदौर एमपी से बात कर रहे हैं। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी देखो, चाहे 6 साल छोड़ के 20 साल भी हो गए, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें, सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाने, उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। यदि दवाइयाँ नियम से खाएँगे, परहेज करेंगे और जो तेल की मालिश करने के लिए तेल दिया जाएगा उसकी मालिश करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको कम से कम 15% राम जरूर मिलेगा, और 3 या 4 दिन यहाँ रुकते हैं तो कम से कम इसको 35 से 40% राम मिल जाएगा। महीने डेढ़ महीने में इसका लकवा अधरंग जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, जैसे उससे पहले था वैसे का वैसा हो जाएगा। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, और यहाँ पर रोगी को मुँह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, नब्ज देख के मैं बोलता हूँ कि ये रोग है इतना पुराना है और ये परहेज है, परहेज कर सकते तो दवाई दूंगा, परहेज नहीं करते तो दवाई भी नहीं देता। जी बिल्कुल, तो सारी जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है 10:00 बजे से लेकर 5:00 बजे के बीच। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। 7:30 से 8:30 बजे तक संस्कृति TV पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ घरेलू नुस्खों के लिए आप हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सकें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है 10:00 बजे से लेकर 5:00 बजे के बीच। और अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति, नमस्कार।